दोस्तों साल 2021 ने हमें बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीना भी। सबसे पहले घटना होती कैपिटल हिल्स में, अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने चढ़ाई की कैपिटल हिल्स पर जाकर। और दूसरी घटना होती है 2021 में जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनकी समकक्ष कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी जाती है, इससे ट्रंप समर्थकों में बहुत ज़्यादा परेशानी बेचैनी नज़र आती है। और तीसरी घटना होती है हिंदुस्तान के अंदर 3 कृषि कानूनों बिल को लेकर, और इसके लिए दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है और दिल्ली के अंदर लोग जो है लाल किले तक पहुंच जाते हैं। फिर चौथी घटना होती है चमोली में ग्लेशियर टूटने से आया सैलाब, उससे 170 लोग या 70 लोग के आसपास मारे जाते हैं। तो दोस्तों ये घटनाएँ 2021 में हमने सभी ने देखा, आपने देखा और हम देख भी रहे हैं। तो इन दुर्घटनाओं में जो है 170 लोग इंतकाल हुए। पांचवी घटना होती है मोटेर, गुजरात के अंदर मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया जाता है। तो इस पर बहुत विपक्षी पार्टी ने बहुत प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया कि आखिर ये इनकी ज़मीनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। तो इस पर जो है लोगों में बहुत रोष था, बहुत दुख थे, इससे जो है लोगों में परेशानी थी। छठी घटना होती है जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिंदुस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते संभाल लिए। फिर सातवीं घटना होती है सुकमा में, छत्तीसगढ़ में सुकमा में नक्सलियों ने 17 जवानों को शहीद कर दिया और इतना खतरनाक विस्फोट था कि लोग इसको देखते रह गए, परेशान होते हुए नजर आए और 17 जवान इसमें हमारे शहीद हुए। फिर एक घटना होती है हमसे छीना जाता है फिलिप, अमेरिका इंग्लैंड के जो एक बादशाह थे उनका इंतकाल होता है इस 2021 में। और इसके बाद श्रीलंका में बुर्के पर बैन लगा दिया जाता है, जहां पर जो सार्वजनिक स्थलों पर जो भी बुर्का पहने का उस पर बैन है श्रीलंका के अंदर, इसके राष्ट्रपति ने वहां की घोषणा की। और फिर हमारे एक टीवी एंकर रोहित सरदाना का इसी साल निधन होता है, मौत होती है उनको, उन्होंने चीन का भूत बातों से नहीं माने का ऐसे दंगल लाइव किया करते थे आज तक पर ये एंकर। फिर इसके बाद पांच राज्य में चुनावी इलेक्शन हुए, तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल में के अंदर खेला हुए बहुत देखा गया और इन पांच इलेक्शन में भाजपा दो जगह सरकार बनाने कामयाब रही। फिर इसी साल फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह का इंतकाल हो जाता है और मिल्खा सिंह को बहुत याद किया जाता है कि मिल्खा सिंह ने हमारे देश के लिए इनका नाम रोशन किया। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन से हमला किया जाता है, ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर में के एयरपोर्ट पर जो है ड्रोन से हमला किया गया, इससे हमारे हिंदुस्तान पर पहला ड्रोन से हमला हुआ। और उसके बाद किरण राव और आमिर खान का तलाक होता है, आमिर खान और किरण राव की जो शादी हुई थी एक बहुत बेहतरीन तरीके से शादी हुई थी और इसका एंड होता है डिवोर्स से, तलाक से। इसके बाद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अरेस्ट किया जाता है अश्लील फिल्में बनाने के इल्ज़ाम में, उनको कुछ महीने जेल में रहते हैं। इसके बाद हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान के लिए जीता, काफ़ी अरसे बाद हिंदुस्तान में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता गया हॉकी की टीम ने, बहुत शानदार प्रदर्शन किया बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद नंबर आता है नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान के लिए ऐसा काम किया जो बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था, मतलब बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में किया, तो उसका हमें बहुत शानदार खुशी मिली और उसने जो है गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए जीता। उसके बाद होता यह है कि तालिबान में 20 सालों से अमेरिकन जो हुकूमत चल रही थी, अमेरिकन कट्टरपंथी हुकूमत चल रही थी, उसको तालिबानी लड़ाकों ने उसको उखाड़ फेंका और अमेरिकन हुकूमत को जो है उखाड़ फेंक कर जो है बाहर देश के बाहर फेंक दिया और वहाँ पर तालिबानी हुकूमत ने अपनी सरकार बनाई और वहाँ पर जो है तालिबानी हुकूमत स्थापित हुई। इसके बाद हुर्रियत नेता शाह अली गिलानी का इंतकाल हो जाता है, शाह अली गिलानी कश्मीर के लिए लड़ते रहे, अपनी जान कुर्बान करते रहे। इसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन ने भाजपा से बीजेपी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उसके बाद सीएम चन्नी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, चन्नी बेहतरीन शानदार काम के लिए जाने जाते हैं। फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी में एक कांड होता है, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों को जो है जीप से कुचल दिया जाता है, गोलियों से मार दिया जाता है। तो ये याद रखा जाएगा किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे चोरी कांड हुआ था ऐसे ही
किसानों के साथ सलूक किया गया। उसके बाद पेंडोरा पेपर लीक्स का मामला आता है। पेंडोरा पेपर लीक्स में जाने माने हस्तियों के नाम आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, बहुत से जो है हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम आते हैं। उसके बाद त्रिपुरा और बांग्लादेश में हिंसा होती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम होती है, यहाँ पर जो है बहुत लोगों का लाखों का नुकसान होता है और बहुत लोगों की जान जाती है और इस पर जो है लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद कन्नड़ अभिनेता का इंतकाल हो जाता है और हम देखते हैं लोग उनके फैंस इसके लिए बहुत परेशान होते हैं। और उसके बाद तीन फॉर्म जो लॉ बनाए थे, बिल बनाए थे, मोदी जी उसको कैंसिल कर देते हैं। मोदी जी कैंसिल करते हैं, हिंदुस्तान झूम उठता है, किसान झूम उठते हैं और प्यार से नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। उसके बाद ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल को बनाया जाता है, हिंदुस्तान के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में